ये है ऑल न्यू हीरो की तरफ से आने वाली डेस्टिनी प्राइम। ये स्कूटर है 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल है, ये विथाउट एक्सटेक वाला मॉडल है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्कूटर है और ये 125 सीसी का स्कूटर है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले बता दूँ ये विथाउट एक्सटेक के साथ है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा एलॉय वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे इसका कलर देख सकते हो ग्लॉसी लुक के साथ मिल जाता है, बाकी इसमें आपको डीआरएल वगैरह देखने को मिल जाएगा। इस स्कूटर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसका फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। हीरो का लोगो मिलने वाला है सामने की तरफ। मेन लाइट की बात करें तो ये हैलोजन सेटअप के साथ आ जाता है। जो एक्सटेक वाला मॉडल आता है ना, उसमें आपको हैलोजन सेटअप के साथ नहीं आता, डीआरएल वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ में जो मेन लाइट है एलईडी के साथ देखने को मिल जाएगा। जैसे एक्सटेक वाला मॉडल यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, इसमें जो है मेन लाइट एलईडी के साथ मिल जाता है, पर इसमें नहीं मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। सामने जो बीच का मटेरियल है ना, ये फाइबर मटेरियल देखने को मिलेगा। जो साइड में जो बॉडी यूज किया गया है, ये मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है जो साइड में है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन के साथ है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा सामने की तरफ, ये काफ़ी सही लगता है। बाकी डीआरएल वगैरह यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डीआरएल मिल जाता है और ये बीच में आपको हैलोजन सेटअप के साथ ये इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा, काफ़ी सही लगता है। बात करें मडगार्ड की ना, तो ये मेटल बॉडी में मडगार्ड मिल जाता है, काफ़ी सही लगता है। और ये व्हाइट कलर का ग्लॉसी लुक के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं, ये काफ़ी सही है। 90-110 का यहाँ पे टायर साइज मिल जाता है। साथ में 130 mm का ड्रम साइज रखा गया है। ये जो है विथाउट एलॉय के साथ आ रहा है, ये ड्रम वाला वेरियंट है ना, तो इसमें आपको एलॉय देखने को नहीं मिलेगा, एलॉय जो है इसमें नहीं आता, स्टील रिम देखने को मिल जाता है। बाकी एक्सटेक की तरफ जाते हैं तो एलॉय देखने को मिल जाता है। जैसे ये एक्सटेक वाला मॉडल खड़ा है, इसमें आपको एलॉय देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्यूबलेस टायर के साथ मिल जाता है स्कूटर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ट्यूबलेस के साथ है। यहाँ पे देखें तो FI की बैजिंग मिल जाती है। अब आते हैं इसके मीटर की तरफ, तो मीटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मीटर दिखा देता हूँ, फुल्ली आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मीटर देखने को मिल जाता है। इसमें बैटरी वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो आपको एक्सटेक का मीटर दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेक वाला मीटर चालू करते हैं, सेम ही मीटर है दोनों का। तो यहाँ पे इसका मीटर देख लीजिए, मीटर जो है फुल्ली डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिल जाता है, जो अपना प्राइम वाला है। बाकी आपको टर्न इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है लगभग। बाकी आप बटन्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो बटन्स वगैरह है, ये हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, नीचे हॉर्न के लिए बटन मिल जाती है, I3S वाली बटन मिल जाती है और नीचे सेल्फ की बटन मिल जाती है। बाकी ट्रिप वगैरह, ये जो बटन है ना साइड में, ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखें तो की के लिए जगह मिल जाती है नीचे की तरफ, ये काफ़ी सही है। बाकी ये विथाउट एक्सटेक वाला मॉडल है, तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए स्पेस वगैरह नहीं मिलता है। जैसे एक्सटेक वाले की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा। तो और यहाँ पे दिखा देते हैं, E20 पेट्रोल का अपडेट भी आ जाता है। प्लस यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो 155 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अभी यहाँ पे साइड स्टैंड वगैरह लगा हुआ नहीं है, बाद में लग जाता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, आप रियर वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रंट वाला भी लग जाता है। यहाँ पे देखें तो आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा, ये काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे देख सकते हो डेस्टिनी प्राइम की बैजिंग मिल जाती है, ये विथाउट एक्सटेक वाला मॉडल है ना, जिसमें एक्सटेक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी ये जो है 3D में मिलता है, काफ़ी सही लगता है। ग्रैबरिल की बात करें तो सिल्वर कलर में ग्रैबरिल मिल जाता है, काफ़ी सही लग रहा है। सीट की बात कर लेते हैं, तो सीट में आप 3 लोग आराम से राइड कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बात करते हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक की ना, तो इसमें आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सही इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखें तो टेल लाइट वगैरह आपको मिल जाता है हैलोजन सेटअप में, बाकी टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन सेटअप में मिलता है। बाकी यहाँ से आप रियर व्यू देख सकते हो स्कूटर का, काफ़ी सही है। यहाँ पे देखें तो नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। बाकी यहाँ से इंजन दिखा दूँ, ये 125 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर एयर कूलेट के साथ, किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बता दूँ काफ़ी रिफाइंड इंजन है, सेल्फ की आवाज़ आपको प्रॉपर आती है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रियर वाले ब्रेक की बात कर ले तो 130 mm का यहाँ पे ड्रम साइज रखा गया है। बाकी अंदर की तरफ आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और ये एडजस्टेबल वाले सस्पेंशन इसमें दिया गया है। बाकी यहाँ से देख सकते हो किक भी आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ आ जाते हैं साइड की तरफ, अब तो यहाँ पे आप साइड से देख लीजिए स्कूटर, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको डेस्टिनी प्राइम की बैजिंग मिल जाती है और ये 3D में मिलती है, काफ़ी सही लगती है। यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट लगाया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर साइज की ना, तो 90-110 का इसका टायर साइज है, बाकी इसमें अलॉय देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखें साइलेंसर में ना, तो अभी साइलेंसर मफलर वगैरह लगा हुआ नहीं है, बाद में लग जाएगा। यहाँ आपको सामने की तरफ साइलेंसर मफलर लगेगा और साथ में यहाँ पे भी, यहाँ आपको मिल जाता है प्लास्टिक मटेरियल में और यहाँ मेटल बॉडी में मिलता है। बाकी यहाँ पे देखें तो साइलेंसर मफलर लगा है, ये मेटल बॉडी में मिल जाता है, काफ़ी सही लगता है। और यहाँ आपको इंजन की ऑयल क्वालिटी यहाँ से चेक कर सकते हो, प्लस इंजन का ऑयल यहीं से जाएगा।
फुट रेस्ट जो है एडजस्टेबल वाले हैं, काफ़ी सही है। बाकी यहाँ से स्कूटर देख लीजिए, इसका जो वेट है ना 115 किलोग्राम इस स्कूटर का वेट देखने को मिल जाता है। साथ में जो एक्सटेक वाला मॉडल है वहाँ पीछे की तरफ, उसका जो वेट है थोड़ा सा 1 से 2 किलोग्राम ज़्यादा मिल जाता है। बाकी इसके एवरेज की बात कर लेते हैं तो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूलर के साथ है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है ये इंजन, तो आराम से ये एवरेज निकाल के देगा 40 प्लस का, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बता दूँ ये हीरो कंपनी का स्कूटर है, तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन के साथ है ना, तो आराम से 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल इसमें मेंटेनेंस करना पड़ जाता है। अब इसके सीट स्पेस की बात कर लेते हैं कि सीट में कितना स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट में कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, प्लस इसमें आपको लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक लाइट लगी है, लाइट ऑन हो जाती है, अभी बैटरी वगैरह इसमें नहीं लगा हुआ है इसलिए नहीं हो रही ऑन। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कुछ इतना स्पेस देखने को मिल जाएगा, हेलमेट वगैरह आराम से आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी चार्जिंग पॉइंट इसमें मिल जाएगा अंदर की तरफ, वहाँ आप देख सकते हो अंदर की तरफ USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, आप मोबाइल वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की ना, तो ये 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल, इसका जो प्राइस है 2024 का अभी थोड़ा सा घट गया है। इसका जो एक्सोरूम प्राइस है 74,444 रुपये एक्सोरूम प्राइस जाने वाला है, प्लस ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो 90,999 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 2024 में। बाकी एक्सटेक की तरफ अगर आप जाते हो तो उसमें थोड़ा सा फीचर्स वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, जैसे इसमें आपको बैकरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे एक्सटेक में बैकरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दिए हैं, एवरेज जो है आपको 40 प्लस का आराम से निकाल के देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है।